हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और सब लोग फिट होंगे। आज के इसी के साथ मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जो है बीगल की सीरीज़। आज मैं आपको मिनी से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। हालांकि इंट्रोडक्शन जो है इनका पहले ही हो चुका है लैब्राडोर डे 9 में। मैंने उसमें बता चुका हूँ कि मिनी ट्रेनिंग के लिए आई है, बट किसी वजह से इसकी वीडियोज़ जो हैं लेट अपलोड हो पा रही हैं। तो जो जो मैं इसके साथ सिखा रहा हूँ वो मैं आपको अभी इसमें बताता चलूँगा। सीरीज़ को पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको बीगल को घर में रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ट्रेनिंग की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हम लोग आपको सिखा देते हैं और अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, काफ़ी पैसे आपके सेव हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है मिनी, और जैसा कि आपको पता ही, सबसे पहले ट्रीट का यूज़ करते हैं और बाकी ट्रेनिंग में। बट मेनली क्या है, कमांड्स तो मैंने बहुत सारी अपलोड कर रखी हैं। कॉमनली तरीका जो होता है सेम होता है सिखाने का कमांड्स का, बट हर डॉग का नेचर अलग होता है। तो थोड़ा सा मैं आज इसके नेचर के बारे में आपको बता देता हूँ, बीगल का नेचर, जिससे कि आप अगर ब्रीड सेलेक्ट भी कर रहे हो तो आपको दिक्कतें ना हो। एक तो जो बीगल है वो स्मॉल साइज़ का डॉग है, स्मॉल से मतलब मीडियम साइज़ का कह सकते हो। मिनी कम हियर, ये जो मिनी है तो इनका मैक्सिमम वेट जो होता है बड़ा होने के बाद भी 16-17 किलो तक रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम बढ़ जाता है जो अगर ओवरवेट भी हो जाते हैं तो, 16-17 तो बहुत हो गया, 12-14-15 किलो तक इसका वेट रहेगा, ठीक है। और मस्कुलर डॉग होते हैं, कॉम्पैक्ट साइज़ में होते हैं, और इसको पालने का पूरा मज़ा आएगा आपको। इतना एनर्जेटिक डॉग है कि आपको एक टेंगो ब्रीड आती है एक तरीके से। ये हाउंड ग्रुप के डॉग होते हैं, जो कि ग्रुप में अगर किसी भी शिकार को 4-5 डॉग हैं तो बड़े से बड़े ये शिकार को भी गिरा लेते हैं बहुत इजीली। इनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता था, बट इस ब्रीड को मॉडिफाइड करके थोड़ा छोटा कर दिया गया है। एक इसका बड़ा साइज भी होता है तो ग्रुप में शिकार करते हैं, और इसी को छोटा करके कॉम्पैक्ट जो घर के हिसाब से है ये ब्रीडिंग करके इस तरीके से तैयार किया गया है, और जो घर के लिए बहुत ही बेहतर डॉग साबित होता है। गार्ड बहुत अच्छा डॉग बन सकता है ये, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन गार्ड साबित होते हैं। इसकी जो आवाज़ है एकदम सॉलिड होती है, आपको मज़ा आ जाएगा। ये जो बीगल है इसी कलर में आता है, ट्राई कलर में आता है, ठीक है, टैन कलर, वाइट कलर और ब्लैक, इस शेडिंग में आपको ये डॉग मिलेगा। और ये जो इस तरीके की लाइन होती है बीगल की, ये बहुत अच्छा माना जाता है इसमें। और उसकी टेल एकदम हमेशा ऊपर, जब ये बड़ा होता है हमेशा एंटीने की तरह। नो मिनी, अभी क्या है ना, जब डॉग के साथ आप जितना अटैच्ड होगे तो डॉग आपकी बात सुनता है, आपसे अटैच होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं डॉग के साथ, ठीक है। और प्लेइंग मोड है जब, नो मिनी स्टे वेट सिट हियर सिट स्टे वेट, और जब ये प्लेइंग मोड में होते हैं तो बहुत ही एनर्जेटिक डॉग हैं। जब भी कहीं कभी भी आप थक जाओगे बट ये नहीं थकेंगे। तो अगर आपको घर में इस तरीके का डॉग रखना है तो रख सकते हो, छोटी जगह में, और मेंटेनेंस का बहुत कम होता है। डाइट, हालांकि बीगल खाने में बहुत, किसी भी चीज़ को मना नहीं करते हैं, सब कुछ बहुत आराम से खा लेते हैं, और कुछ भी इनको खिलाओ तो कोई नखरे नहीं दिखाना। नो बैड हैबिट सिट हियर स्टे ओके वेट ओके, कुछ भी खिलाएंगे आप बहुत आराम से, नखरे नहीं दिखाएंगे, डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमार बहुत कम होते हैं ये। और वैक्सीनेशन प्रॉपर कराइए, जैसे सब डॉग का होता है इनका भी चलेगा। और छोटे से स्पेस में पूरा एक धमाकेदार आपको बढ़िया डॉग मिलेगा, पैकेज इसका पूरा, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है इसके साथ। तो सीरीज़ को पूरा एंड तक देखिए, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, जो कि आपने पहले भी एक दो वीडियोस में अपलोड किए हैं, बट इसमें कुछ नया भी है, ठीक है। तो पूरी सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज बेसिक चीज़ों में स्टार्ट करता हूं, आपको बताता हूं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं डॉग को। सबसे पहले जब भी आप एक ब्रीड का बीगल का सिलेक्शन करते हो घर के लिए कि मैं इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है और बीगल लेके आना है, डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको एक बाउंड्रीज अपने घर पे फिक्स कीजिए। बाउंड्रीज से मतलब इनके रूल्स होते हैं कि ये आपके लिए अलाउड है, ये नॉट अलाउड है, ओके। किसी भी ब्रीड को रखें आप, बीगल ही नहीं, और शैतान इतने होते हैं, एक बार अगर ये आपकी बातों को समझ जाते हैं ना तो फिर ये कंट्रोल करना इनको मुश्किल होता है। थोड़ा मुश्किल तो होता है इनको ट्रेन करना, क्योंकि ये जल्दी शुरुआत में आएंगे ना तो लगेगा आपको ये सुनता नहीं है, बीगल के अंदर दिमाग कम होता है, बट बहुत सातर डॉग होते हैं ये, बहुत इंटेलिजेंट डॉग में आते हैं, ठीक है। तो स्निफिंग पावर इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। डॉग की सभी की ज़्यादा होती है, बट इसकी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। ये अब दूर से शिकार को सूंघ के पता कर लेते हैं, और उसी के बेस पे ये हाउंड ग्रुप में आते हैं। हाउंड ग्रुप का जो भी डॉग होगा उसकी रनिंग पावर मतलब बहुत तेज़ दौड़ेगा, और जंप बहुत अच्छी होगी, और उनकी स्निफिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा में आता है मोस्टली जो ज़्यादा लेवल के डॉग होते हैं स्निफिंग के लिए, तो इनको भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो अब बेसिक चीज़ में जो मैं बताने वाला था कि बाउंड्रीज फिक्स कीजिए, और आप क्या अलाउड करना चाह रहे हैं, जैसे बिस्तर पे सुलाना है या नहीं सुलाना है, रूम के अंदर अलाउड आपको अलाउ करना है या नहीं करना है, किचन के अंदर एंटर नहीं करने देना है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से फिक्स करके रखेंगे। बस उसको ट्रेन नहीं करना है, समझाना है, जब भी अंदर आए नो
जैसे आपने इसको फिक्स कर दिया कि आपने जिस रूम के अंदर अलाउ किया है, तो जैसा कंफर्ट आपके बेड का है तो वैसे उस तरीके का इसका छोटा सा बेड वहाँ पे इसको अरेंज कीजिए। और अपने बेड पे नॉट अलाउड है तो आप बोलेंगे उसको यहाँ पे सेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली सीरीज में सिखा दूंगा, या फिर दूसरी सीरीज जो चल रही है पग वगैरह की, उनमें भी बताया हुआ है कैसे बेड पे बैठना सिखाना है, कैनल में जाना, तो वो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो क्योंकि सेम साइज़ के होते हैं, थोड़ा अंतर होता है इनमें। तो कम हियर मिनी, मिनी कम हियर, गुड, स्टॉप, सिट हियर, सिट, सिट, गुड गर्ल, हैंडशेक, गुड गर्ल। तो इससे चीज़ आप सारी बाउंड्रीज फिक्स करने के बाद सबसे मेन चीज़ होती है उसको नो बताना, ठीक है। तो नो कमांड सिखाएंगे सबसे पहले, बहुत इजी तरीका है। अगर इसमें कुछ जैसे हाथ आपका काटा, नो नो बैड हैबिट, उस चीज़ को तुरंत मना करेंगे और उसमें ट्रीट नहीं करेंगे आप इस चीज़ में, ठीक है। नो बैड हैबिट, उसको लगना चाहिए कि पनिशमेंट दे रहे हो आप एक तरीके की, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप फिक्स करेंगे इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है आपकी, जैसे थोड़ा स्टार्टिंग में आप नो के बाद आप सिखा लेंगे फूड कंट्रोल सिखा लीजिए, वो बढ़िया कमांड होती है, ठीक है। फूड कंट्रोल अब मेन ज़रूरी चीज़ है, स्टे कमांड आपके काम की कमांड है, सिट ये काम की कमांड है, ठीक है। तो इन कमांड्स को आप बहुत आराम से सिखाइएगा, ठीक है। और एक चीज़ होती है कि साथ में डॉग चले, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो भी आपको सिखाना पड़ेगा। तो ये चार पांच चीज़ें अगर सिखा लेंगे तो मैनर्ड ऑलरेडी दिखेगा। तो सबसे पहले बाउंड्री जो फिक्स करते हैं उसके लिए नो, वेट, स्टे, इस तरीके की जो कमांड है वो सिखानी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिट वही तरीका सेम, तो फिर भी मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी दो या तीन कमांड, बाकी जितनी होती है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ शाम का टाइम हो रहा है तो थोड़ा अंधेरा बढ़ता जा रहा है तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। जैसे कि गुड मिनी, पहले से हालांकि काफ़ी समझदार है ये, तो मिनी गुड गर्ल, सिट ऑलरेडी जानती है आपको ट्रीट लेना है, और सिट सिट गुड, जैसे सिट बोलते हो ऐसे बैठाना है, बैठ जाता है, गुड शाबाश, छोड़ देनी है ट्रीट। और ट्रीट करने का तरीका, कभी भी ऐसे हाथ में रखा आपके हाथ से छीने ना, नो, ट्रीट आप लेके जाएंगे ना कि डॉग, डॉग को झपड़ने देना है, ठीक है। ये तरीका बहुत ज़रूरी होता है ट्रीट करने, नो ये है बैड हैबिट है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कंट्रोल लेके आना, धीरे धीरे आप पूरी सीरीज में देखेंगे कितना मैनर्ड हो जाएगी, लास्ट तक वीडियो पे जाएंगे अगर आप, जितने भी पार्ट इसके बनते हैं, नो, अब ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें कम करनी है इसकी, ठीक है। सिट, नो, सिट, सिट, नो मिनी बैड हैबिट, ये चीज़ छीन के खाने वाली, ये चीज़ कम करनी है आपको, सिट, स्टे, बोलते रहना ये चीज़ें, ठीक है। ईट, ट्रीट ऐसे करना है, ऐसे दिखानी है, नो, सिट, स्टे, दिखाना है, ईट, ऐसे देनी है, ना कि उसको आने देना है, आपको जाना है उसके पास ट्रीट के लिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिट मिनी, सिट, स्टे, ठीक है, स्टे, अभी से बताएंगे, ऐसे ट्रीट दिखाना है, गुड, इस तरीके से, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको डॉग बहुत शैतानी करेगा, थोड़ा इसको सिखाया हुआ भी है मैंने अभी, तो ये नहीं आने देना, जैसे आपका डॉग बहुत झपट के भी आएगा आपके ऊपर, छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं इनमें, एकदम से झपट के पकड़ने वाली, वो नहीं करना है, ऐसे बड़े, नो, स्टे, नो, बैड हैबिट, झपटने नहीं देना है, जब कुछ गलत करे तो नो, बैड हैबिट, बोलते बोलते ही डॉग सीख जाएगा, आपको स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग में। बीगल को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, स्टे, गुड, बताना है इसको, अगर पकड़े नहीं तो पट्टा ही पकड़ सकते हो, अगर ऐसे आया, स्टे, नो, स्टे, वहीं रोकना है, टेक इट, दिखाना है, नो, सिट, स्टे, गुड, उसको पता चलना चाहिए कि वहीं पे आना है तभी ट्रीट मिलेगी, गुड, दूर से दिखाइए, नो, नो, ये तरीका है, यहाँ आगे ट्रीट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, हैंडशेक सिखाने का बहुत ही ईजी तरीका है, आप ऐसे पकड़िएगा इसको तो अपने आप उठाएगा डॉग, यहाँ पे जब टैप करेंगे यहाँ उठाएगा, गुड शाबाश, ऐसे बोल देना है, और हैंडशेक ऐसे बोलना है, ट्रीट कर देना है, ये तरीका है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हैंडशेक भी सिखा सकते हैं, ये एक्स्ट्रा कमांड बता दी मैंने, और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से हम लोगों के 1 मिलियन तक पहुंचा दीजिए। अब तक आपसे रिक्वेस्ट नहीं की थी क्योंकि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अब तक। तो आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
अगेन। एंड डिवाइडेड बाय टू